अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक सवाल उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान में टिकटॉक बैन होना चाहिए या नहीं बैन होना चाहिए। देखिए, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि टीवी देखना हराम है, कुछ लोग कहते हैं कि टीवी देखना इस परमिसिबल। तो चलिए एक सवाल पूछते हैं, जैसे टीवी एक मशीन है, ठीक है, तो आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ करें या गलत तरीके से यूज़ करें, तो ये इंसान के ख़ुद के नफ्स के ऊपर और दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे बहुत से लोग हैं, जैसे टिकटॉक है, आप उसको सही तरीके से यूज़ करें या उसको बैडली यूज़ करें, इसमें टिकटॉक का कसूर है या पब्लिक के यूज़ करने का कसूर है। ठीक है, टिकटॉक को यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें फजूलियात डालने के बजाय या फजूल चीज़ें डालने के बजाय बेहतर है कि कोई इस्लामिक मैसेज इंग्लिश में डालें और उर्दू में डालें, ताकि इसे नॉन मुस्लिम को भी फ़ायदा हो और मुसलमानों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो, ताकि जो लोग टिकटॉक देखने वाले हैं कम से कम अगर वो कुछ अपने तरीके से कुछ गंदगी डाल रहे हैं या फालतू फजूलियात चीज़ें डाल रहे हैं। वैसे भी गैर महरम का एक ख़वातीन का टिकटॉक पे आना वैसे भी हराम है, देर इज़ नो डाउट ऑफ दैट, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में ही बिल्कुल वेरी डिक्लेयरली बता दिया है कि जितनी भी मोमिनात हैं वो हिजाब करें। ठीक है, तो गैर महरम के सामने करोड़ों के हिसाब से लोग देखने वाले, लाखों के हिसाब से देखने वाले टिकटॉक के ऊपर हैं। अब पता नहीं कौन कैसे लोग हैं। अब बेसिकली लेट्स गेट टू द मेन पॉइंट कि टिकटॉक यूज़ करना हराम है या हलाल है। इट्स नॉट अबाउट दैट टिकटॉक यूज़ करना हराम है हलाल है, टिकटॉक यूज़ करना एक बिल्कुल परमिसिबल है, इसमें हलाल और हराम का कोई ताल्लुक नहीं है। मकसद ये है कि जो लोग टिकटॉक का मिसयूज़ करते हैं, जैसे फजूलिया डाल रहे हैं, म्यूज़िक वीडियो बीच में म्यूज़िक अटक रहे हैं, तो इस टोटली अब जितने लोग सुनने वाले हैं उसका गुनाह भी सब जो लोग डालने वाले हैं उन्हीं के ऊपर जा रहा है। तो टिकटॉक यूज़ करना है बेशक, एक इट्स परमिसिबल, इसमें कुछ हराम चीज़ नहीं है। बस ये उसमें ये है कि आप उसमें इस्लामिक मैसेज डालें जो दूसरों को बेनिफिट देंगे, अच्छे अच्छे मैसेज डालें, इस्लामिक मैसेज डालें, इंग्लिश मैसेज डालें ख़वातीन और हज़रात दोनों भाई और बहनों के लिए, कि कम से कम ये मुसलमानों का भी फ़ायदा दे और गैर मुसलमानों का भी फ़ायदा दे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर से आप किसी का कदर भी कर सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर से आप अच्छे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें बेचारे स्क्रू ड्राइवर का क्या कसूर है। ठीक है, और ये पाकिस्तान में अगर टिकटॉक बैन करना है, ठीक है, ट्राई टू बी पॉइंट टू बी नोटेड, अगर पाकिस्तान में टिकटॉक को बैन भी करते हैं, लेकिन वर अबाउट बॉलीवुड को बैन करेंगे, जो पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री है उसको बैन करेंगे, किस किस को बैन करेंगे, बिकॉज और ये जितना भी सब चीज़ों का डिपेंडिंग होती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नफ्स एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल तकवा। अपने जितना तकवा आता है उतना हराम चीज़ों से दूर रहता है। अब बेचारे टिकटॉक के कसूर आ गया, यूट्यूब में भी बेताशा किस्म की फाश फैली जाती है और इस किस्म की पोर्नोग्राफी पूरे पाकिस्तान में ग्रुप्स वगैरह में फैलाई जाती है, व्हाट्सएप ग्रुप्सों में फैलाई जाती है, शेयरिंग की जाती है, मैसेजों में भेजी जाती है, उनको कौन रोकेगा? अब टिकटॉक के बैन करने से क्या होगा? ठीक है, इसके अगर बैन करना है तो पूरा जो एक आईपी एड्रेस का पूरी एक लाइन होती है उसको फिर पूरी की गवर्नमेंट उसको बैन करे, फिर क्या होता है कि वो उसको बैन करते हैं तो फिर वो वीपीएन यूज़ करना यूज़ कर देते हैं, दे यूज द प्राइवेट सर्वर टू कनेक्ट टू द बोगस साइट्स। तो अगर इस बैन करने से क्या होगा? तो इसके अलावा बॉलीवुड है, क्या बॉलीवुड में कम गंदगी है? पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में कम गंदगी है? क्या पाकिस्तानी स्टेज ड्रामों में कम गंदगी है? ड्रामों में कम गंदगी है, हर लव स्टोरी दिखाई जा रही है, प्यार मोहब्बत की, एक लड़का लड़की, हर जहां देखो लड़का लड़की की मोहब्बत दिखाई जाती है। बहुत खास एक मीडिया एक यंग जनरेशन के दिमाग में किस किस्म के कॉन्सेप्ट पैदा कर रहे हैं, क्या लॉजिक पैदा कर रहे हैं? एक छोटे छोटे बच्चे हैं, वो देख रहे हैं एक लड़का लड़की एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ गए हैं, एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं, एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। वाई दे आर बिल्डिंग दिस टाइप ऑफ अ कॉन्सेप्ट इन द न्यू जनरेशन? सो रादर व्हाई डोंट यू जस्ट लाइक कंसंट्रेट ऑन समथिंग? कहने के तो मुसलमान एक मोहम्मदी उम्मत है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, लेकिन सारी जो जिंदगी गुजारने का तरीका है वो सारे का सारे गैर मुसलमान वाला, सिर्फ कलमा पढ़ लिया हम भी अल्लाह के लिए जान दे सकते हैं, हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान दे सकते हैं, और सारी ज़िंदगी का जो गुजारने का तरीका होता है सारा गैर मुसलमान। क्या म्यूज़िक सुनते हैं? यस। क्या वीडियो देखते हैं? यस। क्या फजूलियात करते हैं? यस। फिल्में, गाने बजाने, वी लॉगिंग, सारी चीज़ें गैर इस्लामिक चीज़ें हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग
उसी चीज़ को आप सही तरीके से यूज़ करें ताकि आपको भी इसका अल्लाह ताला एक अजर दें और इसको एक जो जितना फैलेगा उन सबका अजर भी आपके सर पे आ जाएगा। इस नौ रबाद के पाकिस्तान में टिकटॉक को बैन होना चाहिए। तो आप टिकटॉक को बैन कर रहे हो वो सारी, तो वो टिकटॉक तो फिर भी एक एक, एक पूरी पोर्नोग्राफी तो नहीं दिखाते। टिकटॉक में तो कम से कम कपड़े पहने होते हैं, कुछ ना कुछ पहने होते हैं, लेकिन बुरा बात है कितनी जितनी पाकिस्तान में पोर्नोग्राफी वगैरह है, जितनी फिल्म इंडस्ट्री है, क्या बॉलीवुड में कम गंदगी है? सिर्फ उनको टोटली नंगा होना बाकी रह गया है। ये जितनी भी पाकिस्तान में गंदगी की वजह सिर्फ बॉलीवुड की तरफ से आई है, क्योंकि ये पूरा गार्बेज का ढेर है। कितनी गंदगी, बदबूदार गंदगी है, वो सारी पाकिस्तान में आके पाकिस्तान का माशरा ख़राब कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो एक तो कलमा पढ़ बैठे हैं, मुसलमान घर में पैदा हो गए, लेकिन लाइफ स्टाइल, गाना बजाना, म्यूज़िक, फैशन, मेकअप, ये सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट हम छोड़ के एक अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर क्यों नहीं चलते कि हमारी ज़िंदगी में सुधार आए? अगर इतने सारे मुसलमान पाकिस्तान में जाके इकट्ठे होकर एक यूनिटी हो के अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें ताकि अल्लाह की भी बरकत पाकिस्तान में आए।